नेपोलियन हिल्स ने कहा था, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल, मतलब आप ही आपके भाग्य के विधाता हो, आपको बस आगे चलते जाना होगा, आप जो चाहो वो ही हासिल कर सकते हो, आपको बस ये विश्वास रखना होगा कि एक दिन आपके समय जरूर आएगा और आप जो चाहते हो वो अचीव जरूर करोगे। आप अपने फील्ड के दानव हो, आप ये जानते हो कि आपके लक्ष्य क्या मांग रहा है। अपने सपनों के साथ जियो, साहसी बनो और जीवन में जो चाहो वो हासिल कर लो। एक साधारण इंसान के तरह अगर आप सोचेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ भागेंगे तो फिर आप कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको एक दानव में रूपांतरित होना होगा, आपको आपके फील्ड के दानव बनना पड़ेगा। आप अपने आप से कमिट कर चुके हो, आप तब तक नहीं रुकोगे जब तक ना आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लो। हर दिन हर वक्त अपने आप से कहो कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक मशीन हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अनस्टॉपेबल हूँ और मैं अपने कॉम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ अलग सोच सकता हूँ, कुछ अलग कर सकता हूँ और मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। आपके माइंडसेट ही सब कुछ है। नेपोलियन हिल्स ने कहा था, व्हाट एवर ए मैन कैन कंसीव एंड बिलीव दैट कैन बी अचीव्ड। आप अगर खुद पर विश्वास रखेंगे तो फिर आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। आप खुद को जो बनाना चाहोगे आप वो ही बन जाओगे। आप जब अपने लक्ष्य की तरफ भागोगे तो फिर बहुत सारे बाधाओं की पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ेगी, पर आप वो सब तोड़कर आगे बढ़ते रहोगे। आपको आपके जीवन के उद्देश्य के प्रति 100% फोकस्ड रहना होगा और उस फोकस को तब तक बरकरार रखना होगा जब तक ना आप आपके लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। आप एक मशीन हो और आप कभी भी हार नहीं मानोगे और आप अपना साम्राज्य खुद बनाओगे। याद रखना, सफलता एक दिन में नहीं आती है, रातों रात कुछ भी नहीं होता है। आपको लगातार मेहनत करते जाना होगा और अपने सफलता के सही हकदार बनना होगा। सम्मान कभी भी मांगी नहीं जाती, उसे अर्न करना पड़ता है। आपको खुद को उस वक्त पुश करना होगा जब सब लोग अटक जाए। आपको लिमिटलेस सोच रखना होगा और हर वक्त बियॉन्ड द लिमिट सोचना होगा।